मजा आ रहा है यहाँ पे। मेरा मन कर रहा था इस कार में यहाँ तक आऊँ, शायद इन्होंने हल्दी बो रखी है इधर हमारे खेतों में। और ये बाग लगाए थे अमरूद के, आम के, अभी तो खैर छोटे ही हैं पेड़, उधर खड़े हैं। हाँ जी, राम राम जी। मैं ढूंढ ही रहा था, मैंने कहा कोई मिल जाए, यहाँ सो रहे थे क्या अंदर? यहाँ जाए ऐसी हवा चलती रहे, विकास लग रही ना बेहतरीन हवा। और अब तो देखो सितंबर आ गया, अक्टूबर में और बढ़िया लगेगी, बिल्कुल ठंडी ठंडी सी जो लगेगी दिवाली के आसपास। अब भी बढ़िया चल रही है, बिल्कुल मौसम, अब तो मौसम सुहाना अक्टूबर में और अप्रैल में, मार्च अप्रैल में बहुत बढ़िया मौसम रहे। और उसमें आओगे अप्रैल मार्च अप्रैल में जब तो सरसों की वो रहे तो बिल्कुल ही बेहतरीन मजा आ जा। यहाँ पर तो बस वो मिल जा मट्ठा, और मट्ठा पियो नशे में, अपना लेटे रहो खाद डाल के, मजा आ जा। अरे नहीं, हम तो भविष्य में आके यही लेटेंगे अपना, थोड़े से और बड़े हो जाए ना, जैसे यो हमारा ये 10 बीघे का है ना, तो इसमें अपना यही बना लो घर। अब तो धीरे धीरे यही चल रहा है खेतों में घर बनाने से, घर बनाने की बात ये है। हाँ कौन छिलोरे का, हाँ तो चली रहा अपना खेतों में, बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए होंगे लोगों ने, बड़े इतनी जमीन तो ना है, खैर शायद होता है या तो इस चक्र रोड निकले, वे भी बहुत बड़े रहे हैं, या तो इस चक्र रोड से सीधी रोड निकल सके, निकल सके। अच्छा, या उसका गली वाले से लिख दे। अच्छा, मंगलम पे से ऐसे जा गया, वहां से मिलेगी जाके लड़पुरे के आसपास। अच्छा, बाईपास रिंग रोड घूम रही होगी ना, रिंग रोड तो हमारा जो स्कूल है उसके ऊपर गुजारी, तो यहाँ को कौन सी निकलेगी, अंदर ही कोई निकाल लेंगे। हाँ, गांव से गांव बचावेंगे। अच्छा, तो अच्छा मुआवजा दे देंगे वे, बढ़िया बढ़िया। मेट्रो वाले तो अच्छा दे रहे हैं, मेट्रो का स्टेशन आना था यहाँ, हाईवे वाले। अच्छा, मेट्रो का स्टेशन भी गया, आ सका यहाँ। 3500 बीघे जमीन नपी पड़ी है। अच्छा, यहाँ नपी जमीन, यहाँ पे वर्कशॉप वगैरह कुछ आ सके। और मुझे लगा कितना दे रहे, 35-40 दे रहे दिखे थे, 35 लाख रुपए बीघा। हाँ, सड़क में तो जो उन्होंने 2800-3500 कर दिया। हाँ, और यहाँ से सीधा हाईवे तक है। हाँ, यू गाँव बचाया। हाँ, ऐसे दो स्कीम है, या तो फैक्ट्री। हाँ, एक 2500 बीघे फैक्ट्री भी मांग रही है, एक मांग रहा मेट्रो। अच्छा, क्योंकि मेट्रो के वहाँ जो जंक्शन बने हैं ना, हाँ, वहाँ से अधिकारियों के इनके कमरे वमरे भी बने हैं, फ्लैट भी बना। आप गए हो कोंडली की साइड को, जैसे ये जो हाईवे बना हुआ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस है। हाँ, ये हाईवे हो रही नहीं है गाजवास है। हाँ, इससे इधर को गए हो कोंडली की साइड को, और तो करीब करीब घंटा भी नहीं, तो 3 किलोमीटर लंबा जो इनका जंक्शन बना हुआ, वो फेरी फेरल की बात कर रहे दिखे हैं, वो एक्सप्रेस 3 किलोमीटर लंबे के आसपास है। नहीं, इसका दिल्ली मेट्रो का ही वहाँ इंद्रप्रस्थ वाली लाइन पे वहाँ बना हुआ, बहुत बड़ा वो भी बड़ा, वो म्यूनसिपैलिटी साइड पे वो बहुत बड़ा, और बड़ा तो ये इसलिए बना हुआ है गवर्नमेंट की स्कीम है, पता नहीं आज कुछ है कल को क्या, कल को और ज्यादा मैन्युफैक्चर करनी पड़े। और ये क्या बना रहे हैं इस रोड पे, वो बन गई बिल्डिंग, स्कूल बन रहा, ये दवाई फैक्ट्री, दवाई बताओ यहाँ तक आ गई फैक्ट्री, पहले वहाँ आती पर है, अब तो पूरी ये रोड तो पूरी शहर में आ गई, ये वाली जो है। हाँ, यू फ्रिज फैक्ट्री थी, यू बिक गई है। अच्छा, अभी इसके ठीक सामने बन रही है। अच्छा, एक वहाँ बन रही है, इसी की बन रही है। हाँ, इसने प्रॉफिट में बेच दी। हाँ, इन्हें तो ली थी 3 लाख की जमीन। हाँ, इसमें लगा दिया होगा 2-3 लाख रुपए, 1.85 करोड़ की बेच दी। अच्छा, फिर 25,000 बीघे की जमीन लेके वहाँ से इन्हें फिर लाभ बना दिया 1 करोड़ रुपये बचा जाएगा जो भी। तो यो 85 बीघे इसके 3 करोड़ लग गए। अच्छा, मेन रोड पे है ना। हाँ, मेन रोड पे। हाँ, इधर देखना चाहते हो तो पार्टी लाओ, 35 के मिल जाएंगे। जो हमारी यो कलेसर वाली है, अरे इन पर तो सब पे विवाद चल रहे जिसके नाम जमीन है। हाँ, जमीन तो हमारे नाम है, वो 35 के नाम, जमीन हमारे नाम है, पर हमने भी सराफत रहे ना थोड़ा सा, हम सीधे, मैं कहा चलो कोई बात ना। सड़क पे तो 35। अच्छा, 40 भी 15-16 चल रहे, 15-16। और इस वाली रोड पे जो मुल्लीपुर वाली है, हाँ, गाँव से लेके 35। हाँ, आगे को दम से आगे जाके 50, और उससे आगे जाके तो फिर बात करवा जाए। अभी गढ़वाला हाईवे बनाने लग रहे है ना पूरा। अच्छा, चौड़ा होगा ना, अभी चौड़ा हो रहा पूरा। यहाँ से कुक्कुल धाम दिखे, एक बिल्डिंग दिखे कुक्कुल धाम की, यहाँ से जमीन ना, हमारे दादा भाई, ये तो भूड की जमीन है ना, तो पता, रेतीली जमीन,
एक बार मैं यहाँ पानी देना आ गया, टूट के दूसरे खेत में चला जाओ, रोक ही नहीं सकता कोई। तो ना ये हमें थोड़ी सी ज्यादा मिल गई थी, घर वालों ने दे दी जैसे भूड़ की, जहाँ कम उपजाई हो और जो उपजाई हो वो तो ऐसा कम करके बड़ों ने बांट दी। अब दिक्कत ये हुआ, अब आगे पूरा भैया टाइम बदल गया, रेट बढ़ गए सब चीज़ के, अब नीयत खराब होगी बड़ों की, जो पुराने बाबाओं के दादाओं के भाई जो दूसरा परिवार है गाँव में, अब दिक्कत ये हो रही है। इसमें कितनी लागत लगी हुई है ना, हाँ, इस भुयर में कितनी लागत लगी हुई है, यदि पक्की जमीन होती हाँ, तीन गंगे से तीन गुना रेट तो हमारे वहाँ तो डोले कटने पर गोली चल जा। अच्छा, डोले कटने पर गोली चल जा, पर मूर्खता ही है। हाँ, मूर्खता ही है सीधे सीधे। बताओ एक इंच में कितना बोलेगा। हाँ, नहीं हमने एक बात देखी, ये डोले काटने वाले थे, ये पार्टी डोले काटने वाले थे, केवल 6 बीघे जमीन बच रही है। अच्छा, ये डोले काटने वाले थे, जो भी गई। अच्छा, ये पल्ली वाली। अच्छा, और इनकी भी बिक गई। हाँ, तो जमीन अपने में बुला ले फिर राजा। वो तो पहले राजा। अच्छा, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो ये माँ है, माँ है, इसमें तुम ना 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 ना। जब माँ के पड़ोसी को तंग करोगे तो माँ क्या करेगी? जब माँ के भैया को बेटे ज्यादा तंग करेंगे तो माँ एक दिन या तो खावेगी और ना तो भैया खा जाएंगे, ना भैया खाओगे। मोबाइल भी आ गया, रिकॉर्डिंग भी आ गया, सब कुछ हो गया, अब तो एडवांस हो गया मामला, पहले तो पता ही नहीं चले था। अच्छा, दो चार तो है हमारे पड़ोस में, मूर्ख हैगा उसके, हर साल जमीन बढ़ती रहे। अच्छा, पटवारी बोलवा के ना पुआ, तो एक बार तुम कहते पटवारी की हमें क्या जरूरत पड़ी है। अच्छा, अपना फिर हमारी को हमको अपनी घटा ले। अच्छा, घटाओ मत, बढ़ा लो। हां, कम से कम 10 बीघे तो मैंने थाने में इनकी दिमाग ठीक करवा दिया। अच्छा, फिर भी बाज नहीं आते, फर्क ना पड़ता जिस जो आदमी लेके बैठा रहे ना दिमाग में, वो बैठे ही। अब नीति एक अपना रखी है, झगड़ा कर लो, लोंडो को ले जाओ। मैं कहा भैया अब ना छेड़े, हालांकि पुलिस वालों को पता तो भाई इसमें ना वायरलेस चार्जिंग भी, मुझे खुद नहीं पता था कि आईफोन मेरा 11 वायरलेस है, तो जैसे ही विकास ने यहाँ पे रखा तुरंत चार्ज करने लगा। इसमें तो लीड वगैरह की भी जरूरत नहीं है। वापस जा रहे हैं जल्दी से घर पे, कढ़ी चावल बन रहे हैं भाई, कढ़ी बन रही है, कढ़ी मेरी फेवरेट है। तो हमारा गाँव बिल्कुल पास में ही है, शहर में ही मिला हुआ है। तो वापस आ गए भाई घूम के, मजा आया कार को चलाने में। XUV 700 की भी ट्राई हो गई है, मैंने भी गलती से काटी यहाँ कड़ी कर दी, बिल्कुल अड़ गई थी, मुझे महसूस तो हो रहा था कुछ कुछ अड़ रहा है। चलो यहाँ भी कल भी कड़ी खाई थी, आज भी आंटी यहाँ कड़ी मिल गई। फिलहाल गढ़ रोड पे आ गए हैं सब्जी मंडी पे, और ये गढ़ रोड है भाई, तो मदर वगैरह खरीद रही है सब्जी। जब तक मैं जाता हूँ नमकीन भंडार वाले के यहाँ पे, वहाँ पे पेटीज काफी अच्छी मिलती है। अभी आ रहा हूँ नमकीन भंडार वाले के यहाँ से, हाँ अभी आ रहा हूँ नमकीन भंडार वाले के यहाँ से। इतनी देर में वो खराब हो गया ना, उसकी रात को चोरी ले लगता होगा। किसकी, कहाँ मिलेगी? सेंट्रल मार्केट में। क्यों मिलेगी? नहीं, नमकीन भंडार वाले के थोड़ी मिलेगी, भंडार वाले का कैल्टी मिला है। अरे इसमें चलो मैं देख लूंगा, ये इतनी अच्छे ना देने का। अच्छा, सुनो शकरकंदी भी ले लिया थोड़ी सी। अच्छा, और सिंघाड़े भी। मेरठ नमकीन भंडार बहुत फेमस है भाई, पेटीज वगैरह खरीद। पनीर पेटीज है भैया, दे दो। हाँ, कितने की कर रखी है? 28। तो मार्केट में ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है भैया, देख रहे क्या कर रहा हूँ। ये नहीं, ये तो उसकी है, आलू की है ना, ये तो पनीर की। तो ब्लॉगिंग के चक्कर में भैया ही भूल गए, मैं कर क्या रहा हूँ। 28 की कर रखी है ना, तो महंगी होगी, कभी 12 रुपये की हुआ करती थी। जो मेरठ की, मेरठ में ये पनीर पेटीज है ना, ये सबसे बेस्ट है, मतलब ये देहरादून में मिलती ही नहीं है। अगर ऐसी वहाँ मिलने लग जाए ना, तो भाई उसकी तो बिजनेस बहुत चलेगा। मतलब देहरादून इसमें पेटीज थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास। कभी देहरादून में पेटीज मत खाना कहीं भी, आपको मज़ा ही नहीं आने वाला जो मेरठ में आएगा। चलिए मैं पेटीज एंजॉय करता हूँ, मिलते हैं इसके बाद। इसका नमकीन भंडार वाले की जो पेटीज का स्वाद है ना, वो पुराने वाला स्वाद है। जो जब पेटीज का इंसेप्शन हुआ था, जब से पेटीज आ रही है हर जगह मिलती थी, इसने चेंज नहीं किया है। बाकी जो दूसरी जैसे सुपर बेकर हो गया या अरुणा ज्योति बेकर, उन्होंने तो मॉडिफाई कर दिया, अलग ही स्वाद हो गया है। और इसकी पेटीज अभी भी ऐसी है जैसी कम से कम 20 साल पहले 15 साल पहले हुआ करती थी। मेरठ में तो ऐसी गर्मी पड़ रही है, ऐसा तो मई जून में देहरादून में भी ना होता, पूरी गर्मी है। बिना एसी के तो इमेजिन नहीं कर सकते चलना यहाँ पे अभी भी। अभी यही रहने वाला है अक्टूबर नवंबर तक, नवंबर की 15 तारीख के बाद यहाँ पे ठीक होना शुरू होगा। यहाँ पे इन्होंने बंद कर दिया ये नई सड़क पे जाने का, आगे से है यू टर्न। दुकानदार और याद आ गया, रामचंद साय, उसकी जो नान खटाई है ना, सुपर है।
मौका मिलेगा तो थोड़ी बहुत लेंगे। मम्मी कह रही इन दिनों भी मिलेगा अनान खटाई, वो तो 12 महीनों मिले। नौचंदी का मेला भरा है वैसे सबसे ज्यादा तब मिले, मार्च अप्रैल में, वो तो नौचंदी के मेले में मिलती है। ये है नई सड़क, तो अभी जो ब्लॉग देखोगे आप मेरठ के देखोगे एक दो दिन ना, अभी शायद हम कल जाएं देहरादून वापस। कितना टाइम लगेगा मगर, कितना टाइम लगेगा? तो जब तक ये आते हैं जब तक मैं सिंघाड़े खाता हूँ। ये कैसा निकला? छोटा सा। अरे ये भी छोटा सा, पता नहीं कैसे लाई है, देख के नहीं लाई गई, ये छोटे छोटे हैं सारे। क्या कह रही हो? नहीं बेटर रहेगा तू। हाँ कितने टाइम लगेगा तुम्हें? नहीं बस थोड़ा ही लगेगा, कपड़ा ही लाना, देखो कितना लगे। आना होगा, आ जाऊंगा। कौन सी दुकान में जा रहे हैं? आएगा या आएगा तो थोड़ा देख ले, सफेद पट्टी से ऊपर है। कोई बात नहीं, मैं अपने आप लगा लूंगा, जाओ। काश मेरी कार में भी वायरलेस चार्जर होता, अपना फोन को वैसे रख देता तुरंत चार्ज होने लगता। चलो कोई नहीं, अभी किसी से काम चलाते हैं लीड से। जब मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा ना, बड़े वाला बड़े बड़े यूट्यूबर, तब मैं फॉर्च्यूनर नहीं लूंगा, मैं XUV700 भी नहीं लूंगा, मैं कौन सी लूंगा? मैं तो भाई डायरेक्ट रेंज रोवर डिफेंडर लूंगा। तो तुम्हारा ये भाई ना सुभाष चौधरी ब्लॉग्स पे आपको रेंज रोवर डिफेंडर देखने को मिलेगी, अगर सब कुछ ठीक रहा और अच्छी अच्छी वीडियो बनती रही। अगर मैं वो नहीं ले पाया तो फिर मैं लूंगा थार नहीं तो स्कॉर्पियो, पुराने वाली नए वाली स्कॉर्पियो एन नहीं, वो बेकार है। मेरा ड्रीम है स्कॉर्पियो लेने का, स्कॉर्पियो चलाने का। स्कॉर्पियो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो उसकी हैंडलिंग है ना, जो किसी में भी मजे नहीं है, जो उसकी जो ड्राइव है ना स्कॉर्पियो की, ऐसे किसी में भी मजे नहीं है। देखो ये जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मैं तो इसको देखता हूँ तो देखता रह जाता हूँ अभी भी। अब कहाँ चलना है बताओ? कहाँ चलना फिर? राइट में चलो, घर ही चलते हैं। हापुरुड्डी जाना? अब नहीं, घर जाएंगे पहले। बज गए 7:30 और सब घर पे ही हैं, और यहाँ पे मैच चल रहा है साउथ अफ्रीका इंडिया का। 29 पे 5 आउट कर दिए साउथ अफ्रीका तो हारी पड़ी है। 8 रन पे 5 कर दिए थे तो सर, कह रहे 8 रन पे 5 कर दिए थे। वाह ये तो हारी पड़ी है। लाओ सकर गंदी, ये तो कैसे छिलके भी उतार रखे इसके, तो इसमें मोबा के लिए पैक करी क्या? तो भाई शाम हो गई है, अब मैं और तुषार निकल रहे हैं थोड़ा बाहर की तरफ, आज गंगानगर की तरफ जा रहे हैं और सिस्टर के घर भी जाएंगे नए घर में। ये मिस्त्री पक्का हुआ, यहीं बैठा मिले, कहीं छोड़ के नहीं गया अपना ठिकाना, इतने साल हो गए। देख ले जब हम पे वो थी ना जैन, उस टाइम भी यहीं था, हमारी गाड़ी ठीक करा करेगा। एक्चुअली इस डैश कैम जो हमें, मेरे पास डैश कैम है ना कार में, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि उसको मैं यूट्यूब पे यूज़ नहीं कर सकता इतना। 1080p है वैसे। हम आ गए अभी यूनिवर्सिटी रोड पे, इसको यूनिवर्सिटी रोड बोलते हैं, और भाई इस पे पूरे पे तिरंगा वाली लाइटें लगी हुई हैं। और अभी आएगा जेल चुंगी से राइट लेंगे, हम जाएंगे किला प्रशिक्षितगढ़ की तरफ जाएंगे। जिन लोगों को मेरठ का आइडिया है उनको तो इंटरेस्ट आ रहा होगा इन चीज़ों में, हो सकता है जो मेरठ के नहीं है उनको ये नाम ना सुने हो, तो उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल हम जा रहे हैं गंगा सागर में अपनी बहन के घर, जो हम मैंने शकरकंदी खरीदी थी उसको शकरकंदी मंगाई है उसने, उसके बच्चों के कुछ सामान पड़े हुए थे यहाँ पे घर पे, वो भी पकड़ा देंगे। और क्योंकि जो मेरे भाई साहब हैं यानी कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड, वो कल से वो गुड़गांव जॉब करते हैं सन फार्मा में, तो वो कल छुट्टी लेके आए, मतलब वो छुट्टी लेके आए थे, तो वो कल भी निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए, तो उनसे मिल लेते हैं अभी फिर, क्योंकि हमें भी कल देहरादून जाना है। तो जेल चुंगी पर लगती है काफ़ी फेमस रामलीला, तो रामलीला की ये सजावट है, और मौका मिला तो देखेंगे इसको भी। खैर कल तो देहरादून चला जाऊंगा, और जहाँ मैं रहता हूँ देहरादून में वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। मेरठ में तो देखो हर शहर की ना अपनी एक चार्म होता है, अलग वो होता है, देहरादून में भी होती होगी, लेकिन हमारे घर के आसपास तो कहीं मेरे को मालूम नहीं है। ये क्या लगा है इन्होंने फालतू की चीज़ चौराहे पे, इन्हें और कुछ नहीं मिला? अच्छा स्पोर्ट्स सिटी का लोग होगा ये। आज मैंने XUV चलाई, XUV700, तो भाई उसके सामने तो छोटी सी लग रही है, पर मुझे ये कंफर्टेबल लग रही है उससे, XUV से। वो चल नहीं रही थी, वो सिटी में चल नहीं रही है, काफ़ी बड़ी है ना, पहली बार चला, वो मतलब ऐसी है जैसे तुम बुलेट चला रहे हो और स्कूटी चला रहे हो। स्कूटी कंफर्टेबल है सिटी में, यहाँ पे है ना ऑटोमेटिक सी, छोटी सी प्यारी सी, चलाते रहो, लेकिन कार बहुत बड़ी सी है वो। ऑटोमेटिक नहीं है? नहीं वो मैनुअल है, और सबसे बड़ी ट्रक सा है ना, बड़ी है, बड़ी तो ऑटोमेटिक लेने थी, तो बड़ी है। अब उसमें दिक्कत यह है कि आदत नहीं है एक तो, और इतनी बड़ी फील होती है सिटी में ना, वो चलती है तीसरे चौथे गियर वाली कार है, वे ये पहले दूसरे गियर वाली कार नहीं है। जब जो ऑटोमेटिक होनी चाहिए, मैनुअल में नहीं। हाँ ऑटोमेटिक होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी है ना। हाँ हाल में तो बड़ी इतनी भी है, बड़ी है ऑटोमेटिक, हाल में तो बड़ी है, छोटी है, ऑटोमेटिक ही होनी चाहिए कार। और सिटी में राइड कर रहे हो तो उनके लिए तो ऑटोमेटिक, स्कूटी की तरह चलाते फिर जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्रेक मारो रेस दो, है ना। मुझे तो वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं जो कहते हैं नहीं ऑटोमेटिक में मजा नहीं आता, जब तक गियर ना बदले वो फील नहीं आता। अभी तुम बच्चे हो क्या? लॉलीपॉप चूसो शादी जो तुम्हें वही चूसते रहोगे सारी उम्र। सीखना भी पड़ता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ोगे, सेकंड में आओगे, थर्ड में आओगे, ट्वेल्थ भी करोगे। ये तो वही बात होगी कि नहीं हम तो ट्वेल्थ में तो ये पढ़ाते थे, अब हमें MBBS नहीं करनी या इंजीनियर है, अब सीखोगे तभी तो आगे बढ़ोगे, हर चीज़ में बदलाव चाहिए। पहुंच गए हैं गंगानगर, और हम अभी हैं बिल्कुल IMT कॉलेज के सामने, इसी में ही मैं पढ़ा था, BCA करी थी मैंने यहाँ से, और
तो सारी बोल रहा है कि यहाँ पे तो बर्गर कंपनी है, इसका पिज्जा वो बर्गर बहुत अच्छा है, देखते हैं भाई कैसा पता कैसे चलेगा। ये तुरंत बनावे ताजा बनावे। यहाँ से द बर्गर कंपनी से हमने लिया था बॉम्बे बर्गर, सिंपल वाला है, 41 रुपीज़ में है, और इसका टेस्ट कर रहे हैं कैसा लग रहा है। वैसे ठीक है, चटनी अच्छी लग रही है, चटनी अच्छी लग रही है, अच्छी है ना। इसमें कुछ वो पड़ा गार्लिक, गार्लिक का पेस्ट है ना भैया इसमें? अच्छा मिंट का है, कुछ अलग है ना। सबसे बढ़िया बर्गर कौन सा है आपका? सबसे बढ़िया वेज माइटी चीज़। कितने का पड़ता है वो? तो भाई हम अभी हम गंगा प्लाजा की तलाश है, हमें देखते हैं कहाँ पर है। फाइनली हमें कुछ ढूंढने पर मिल गया भाई, गंगा टावर, गंगा प्लाजा, काफ़ी घूमे हम इधर उधर। ऋषभ ने बताया था यहाँ पर है बेस्ट बर्गर वाला, देखते हैं क्या मिलेगा। बर्गर मिल जाएगा, बर्गर बना दो भाई। वाइब्स तो ठीक आ रही है यहाँ पे, जैसा हमें चाहिए था वैसे ही लग रहा है। बन भी अच्छे हैं, चटनी वगैरह भी रखी हुई है बढ़िया। और एक बर्गर भी कर देना, एक बर्गर लगा दो और स्प्रिंग रोल बर्गर हो गए तो सर बढ़िया लग रहा है। आ गए भैया अपने बर्गर, देखने में तो अच्छे लग रहे हैं भाई, सुपर लग रहे हैं, सुपर। यही चाहिए था मुझे कल से, जो कि मिल नहीं रहा था, ना बेगमपुर, ना बुलेन, ना शास्त्री नगर, गंगानगर में आके मिला है फाइनली। मस्त है, रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड। 20 रुपए का ओनली, देहरादून में कभी पॉसिबल नहीं है 20 रुपए में ऐसा बर्गर मिल जाए। कैसा लग रहा है बता, सुपर है ना? खाएगा एक और? खा लेगा है, चलो भाई ऐसे कि एक और ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, अब हमने दोनों जगह बर्गर ट्राई कर लिया, दोनों जगह ठीक था, हमारा आज का मूड खराब नहीं हुआ है, और बेस्ट जगह गए थे हम दोनों। जो सेकंड वाली गए थे तो सबसे बेस्ट था, हमने दो बर्गर पैक भी करा लिए हैं ताकि घर जाके बच्चों को भी दे देंगे, वो भी खुश हो जाएंगे। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्गर था बर्गर किंग का, और बर्गर किंग सुपर। बर्गर किंग में भी मतलब पनीर रॉयल बढ़िया है, वो शायद 180-200 रुपये का आता है, सुपर। मतलब जो उसके अंदर जो पनीर का टिक्का था ना, टिक्का होता है गजब, पनीर टिक्का अच्छा है उसका, लेकिन उसका वो अच्छा नहीं है जो बन है। हाँ यार, सारे व्लॉग मेरे मेरठ में आके पता है, बस खाने की बातें हो रही है, खाना ही दिखा रहा हूँ। लोग कहेंगे भाई ये क्या कर रहे हैं, कितना खा रहे हैं, खा के पका दिया। सॉरी यार दोस्तों, ये बस अभी है, फिर मैं बंद कर दूंगा, देहरादून जाके थोड़ा डिटॉक्सिफाई करेंगे, खिचड़ी और दलिया और ओट्स और कॉर्नफ्लेक्स यही देखने को मिलेंगे आपको। कोई है नहीं, बंद हो रहा है। अरे वाह, घंटी भी चालू होगी, देख दोनों आगे आगे आगे। कोई अरे अभिजीत कैसा है? अरे नमस्ते 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 नमस्ते। चलो 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 चलो, दो टायर की करवा ली, इतना बड़ा हो गया तू इतना। अब भाई इसने ना दोनों साइड के टायर निकाल दिए। हाँ क्या कह रही है? साइकिल चलाओगी? छोटी साइकिल, आ जाओ अंदर आ जाओ, बर्गर लाया हूँ मैं। चलो 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 चलो। तो भाई देखते हैं घर कैसा कर दिया इन्होंने। अरे ये कल रो रही थी, कल इसका मन नहीं लगा पहले दिन, आज इसका मन लग गया, खुश होगी। उसने तो दोस्त बना लिए तीन, ये कह रही मेरे फ्रेंड आने वाली है अभी घर पे, ये कह रही है। अच्छा वहाँ भी है बच्चे? हाँ क्या अर्जित बर्गर खा ले अपना, और खा के बता कैसा लगा? टेस्टी लग रहा था। हाँ बाबा जी को भी खिला दे। जूस पी के बड़ी होगी है? दूध पी के अच्छा। इसका पर्स ना वहाँ पे रखा था मंगल पांडे नगर में, हम लाए अभी, देखो कैसे टांग लिया। और भाई ये पर्स की चैन ना किसी से नहीं खुली, मुझसे तो खुली नहीं, और इसने आते ही खोल दी। कैसा लग रहा है बर्गर? देखने से बहुत टेस्टी लग रहा था, और खाने से तो 100% था। मजा आ गया, देखने में अच्छा लग रहा था और खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। खाने तो 100, रोज नहीं खाना इसको, बस आज खाना है ठीक है। अरे वो देखो, वो अपने आप ही लग गई बर्गर में वहाँ पे। यार यहाँ कीड़े कितने आ रहे हैं, बर्गर की दुकान पे भी ऐसे कीड़े थे, यहाँ भी देख कितने सारे पड़े हैं। इस साइकिल के सपोर्टर हटवाए हैं, अब ये वैसे ही चलानी सीख गया बिना सपोर्टर के, तो इसलिए कह रहा मामा मुझे रिकॉर्ड करो, देखो मैं कैसे चलाता हूँ। ज़्यादा दूर नहीं जाना, इधर ही चला के दिखाओ, वहाँ से मोड़ के ला, रोड पे मत जाना ठीक है। इसको डांस करने का कितना शौक है।
बस 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 डर गई डॉगी से। ये कौन सा कुछ कह रही है, ये तो कुछ भी नहीं कहती। क्या नाम है इसका? मत डर इससे, डर क्यों रही है? तो भाई ये कह रही है इसे, ये कह रही इसके माथे पे चोट लगी थी, आज गिर गई है। देखो कहाँ पे लगी? अच्छा तो हंस क्यों रही है इतना जब चोट लग गई थी तो? है इसको मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ। नहीं नहीं मैं जाऊँगा जाऊँगा अभी जाऊँ। क्या लाए, क्या कर रखा है एरोप्लेन में? ये कार लटका ली। ये कैसा एरोप्लेन है? एरोप्लेन से भी बड़ी कार है। गांधी जी की फोटो बनाई है मैंने। देखो इसने गांधी जी की फोटो मंगाई, दिखाना। इसमें रंग करना। चलो ठीक है बाय, अब हम जा रहे हैं। इसमें बैठ जाओ। चलो तो मैं नहीं लेके जा रहा, इसमें घाल के ले जाएंगे। चलो बस चलो। कोई मार्केट में से लेकर डर जाएगा। अरे रोन लगी रोन लगी। आ जा, खड़ा भी नहीं हो जा। ए भगवान, ये तो रात को 10 बजे रोनी है क्या? सैंडल की जरूरत नहीं है। लेके कौन जा रहा है? अब नहीं आने का, अगर रोगी तो अब नहीं आने का। वैसे बार बार रोगी तो बर्गर भी लेके आए। ठीक है बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं। अब निकलते हैं यहाँ से, 15 मिनट लगे घर जाने में, और मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर होगा। कितने बज गए हैं? पूरे 10:15 बज गए हैं। नहीं जहाँ से आए थे यही रास्ता है। क्यों डर लगे इससे? सुनसान है, बदमाश मिल सके? बदमाश तो नहीं मिलेंगे। तो फिर भी ठीक ना है रास्ता? नहीं रात के समय ज्यादा, मतलब किस लोग ठीक ना रहते इधर? अच्छा लोग ठीक ना रहते, मतलब कोई लड़न लग जा, कोई भिड़ जा। हाँ। कोई आग गिर जा। अरे कोई ना आता, तू देख लिए गाड़ी मैं चला रहा हूँ, मैं बचा के चला रहा हूँ। वीपन है हमारे साथ में, हमेशा ध्यान रखना, गाड़ी एक वीपन होती है, इससे हम उड़ा सकते हैं किसी को। जो गाड़ी टूटेगी टूट जाएगी, पर यही तो डर है किसी को उड़ा दोगे। कौन से वाला रास्ता? यही है ना, है ना? अब तू देखता जा, 5 मिनट में मेरी स्पीड देखिए तू। गड्ढे हैं अभी। अच्छा गड्ढे हैं तो आराम से चल लेंगे। दोस्तों जब बात छिड़ी गई तो एक चीज़ और बता दूं, मैं मेरठ में आ रहा हूँ तो मेरी एक हैबिट है पूछने की लोगों से, कि जो मेन लोग होते हैं ना, जैसे शास्त्री नगर में वो चाउमीन और बर्गर वाला था, तो उसके पास ना सौरव क्राउड आता है और वो बहुत पुराना है, वो मार्केट में बीचों बीच है, तो उसको सारी नॉलेज रहती है मार्केट में हो क्या रहा है। इवन पुलिस वालों से भी उसके कॉन्टैक्ट रहते हैं, पता रहता है पुलिस कौन सी है, सबको जान, सब जीप वाले जो चक्कर काटते हैं सब जानता है। तो मैंने उससे पूछा कि माहौल कैसा है मेरठ में, उसने बोला भाई साहब बिल्कुल शांत है जब से मोदी आया है। और योगी आया है, योगी मतलब मोदी से इतना फ़र्क नहीं, लेकिन जब से योगी आया है ना भाई यूपी में, जब से बहुत शांत है, सारे बदमाश। फिर आज जो विकास था जिसकी मैंने XUV चलाई है, वो बोल रहा, मैंने उससे पूछा, कह रहा भैया मैं हमारे घर के पास ही एक किडनैपर रहता था, और जब से योगी आया है उसे पता चला बुलडोजर वहाँ आ गया है, बुलडोजर से तो घर टूट रहे हैं, तो सरेंडर करो, तो अपने आप ही जाकर सरेंडर कर दिया, नहीं तो एनकाउंटर होता उसका। तो भाई ये फ़र्क है अभी उत्तर प्रदेश में और मेरठ में। फिलहाल बहुत शांति है, कोई आपको बदमाश नहीं मिलेगा। मान लो फिलहाल सपोज मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर, कोई बदमाश मिल जाए और बचेगा थोड़ी वो, उसका तो घर टूटेगा, पकड़ा जाएगा, एनकाउंटर होगा, तो डरते हैं, सबकी ना फटती है, तो इसलिए बहुत शांत है माहौल यहाँ पर, मज़ा आ रहा है लाइफ जीने में, खुल के जी सकते हैं, कोई इतना डर नहीं है। लेकिन हाँ सिर्फ एक आदमी से डरना, जब तक कोई बड़ा नेता ना हो, स्पेशली BJP का नेता, उनकी बिगड़ी हुई औलाद। क्योंकि देखो मोदी योगी तो ठीक है, चलो मान लो ये अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसमें भी लाखों नेता है ना, इनके अंडर में लाखों नेता है, किसके सुधारोगे? उसमें बदतमीज नेता भी हैं और उनके औलाद बदतमीज हैं, या तो कोई पुलिस का बहुत बड़ा अधिकारी हो, DSP SSP, इनकी औलाद बिगड़ी होगी, या फिर इन नेताओं की औलाद बिगड़ी होगी। जैसे आप अंकिता वाला केस देख लो, जो अंकिता भंडारी का जो रिजोर्ट में, ऋषिकेश रिजोर्ट में कितना बड़ा मामला है, तो वो पुलकित आर्या उसका बाप था और वो नेता, तो वो ऐसे अभी पुलकित आर्या जैसे अभी हजारों लाखों की तादाद में अभी भी घूम रहे हैं। तो इनसे बचना, बस इनसे बचना, और इन जैसे कुत्तों से मैं हमेशा सामना करने के लिए तैयार रहता हूँ।
अगर ये मेरे आगे आएंगे तो मैं इनसे कभी नहीं डरने वाला, पूरा खुल के मुकाबला करूँगा। ओ भाई एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे और बहुत भीड़ लग रही है, कुछ हो गया भाई, कुछ हो गया यहाँ, पुलिस भी आ गई है। तू ठीक कह रहा था, तू सारी ये रास्ता ठीक नहीं है, पुलिस भी आ गई भाई। चलो भाई चलते हैं, ज़्यादा नहीं रुकना यहाँ पे, ये एरिया ख़तरनाक है, तो सर ने पहले ही बोला था भैया वहाँ से मत निकलो, तो उस पर कोई भरोसा नहीं है। और वही हुआ, बोल रहा था शराब पी के ठुक गया। अच्छा बोल रहा था? हाँ, बोल तो रहा था अभी, तो हाँ ये बोल रहा था कि अभी पुलिस इसलिए शराब पी के यहाँ पे। तो चलो ठीक है, हमारी किस्मत अच्छी है भाई, निकल के आ गए यहाँ से आराम से। मेरठ में होता है अक्सर ऐसे ऐसे हादसे, छोटे मोटे होते रहते हैं। अभी हमने कार यहाँ पार्क कर दिया, अभी रामलीला देखने जा रहे हैं। आजा भाई, 100 रुपए नहीं लिए, 100 रुपए तो फेंक दिए, 500 चाहिए, 500। बहुत बढ़िया रामलीला हो रही है, काफी लोग आए हुए हैं, बहुत लोग आए हुए हैं, पूरा चल रहा है यहाँ पे, मौज ले रहे हैं सब, मजा आ रहा है, काफी एक्ट होने वाले हैं यहाँ पे फिलहाल। अभी हम घर चलते हैं, हर एक एक्ट के बाद इनको वो चाहिए कुछ ना कुछ, मतलब इनाम। ये वाली बहुत मोटी है, बहुत खतरनाक है ये वाली। अगर कोई मेरठ में और ये रामलीला का एंजॉय लेना, मजे लेने हैं, तो भाई यहाँ पे आ सकता है, जेल चुंगी पे, बहुत बढ़िया हो रही है, बिल्कुल साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन है, अच्छे लोग हैं। चलो अब घर चलते हैं, बैक टू होम। और ये क्या कर रही है मोना, हिसाब लगा रही है शॉपिंग का, और तुषार का चल रहा है यहाँ पे मार्केट। हम तो रामलीला देख के आए जेल चुंगी पे, भाई हम तो यहाँ हो गए परेशान, अब मच्छर इतने हैं, मतलब ये देखो मेरे हाथ उत पूरे खा रखे हैं कल से ही। वो ला दे बैडमिंटन ला दे, तुषार आया भी दूसरे कमरे से निकल गया, कह रहा एक तरीका मच्छर भगाने का ये ले रहा था, पता नहीं क्या, मैंने सोचा इससे मारेगा कह रहा पंखा तेज कर दो,
मैंने कहा वाह भैया वाह क्या आइडिया दिया है। चलो यहाँ तो दूध पी लेते हैं भाई। दूध है ना 100% पूरा प्योर केमिकल है, भगवान कसम मैंने जिंदगी में ऐसा दूध नहीं पिया। अरे चलो तो इसे देख के ना मच्छर छुप जाते हैं, एक भी नहीं दिखेगा अभी, है ना।